बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड एन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको देंगे डेराला हियार से, जहां पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अशरफुल मखलूकात ही हैवान बन गया। सुमर खान हामी की रिपोर्ट के मुताबिक नसीम उमरानी नाम शख्स जो डेराला हियार का रिहायशी है, इंसान से जानवर बन गया। मासूम मोहम्मद शुबान उमर 12 साल से 13 साल, वल्द मोहम्मद हनीफ हामी और तैमूर अहमद वल्द बशीर अहमद पर वहशियाना तशद्दुद किया। मासूम बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए इन्हें पास कमरे से उठाया और अपने ही घर में लेकर जाके कमरे में बंद कर वहशियाना तरीके से तशद्दुद करता रहा। अगर बच्चे ने चोरी की है तो उसे थाने में देता, मुर्सा को बताता या बच्चे पर FIR खिंचवाता। कानून के पास जाते इन्होंने अपने ही घर में अपना थाना, अपनी कानून और अपनी ही अदालत लगा ली जो कि गैर कानूनी है। मासूम बच्चे के वर्सा ने वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान वाज़ेह अदालत आईजी बलोचिस्तान DIG ने सिराबाद और SSP जाफराबाद से इंसाफ की अपील कर दी। जबकि बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम का नाम वसीम अलाचिना और 5 नामालूम अफराद बताए जा रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे नारवाल की, तो पुलिस की गुज़िश्ता 3 माह की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मियां मुदस्सर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बाजाफ्ता असल मालिकान के हवाले किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN और RPO कुशावाला मुनीर मसूद मार्च की हिदायत पर तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन नारवाल में GPO नारवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की जेर सदारत नारवाल पुलिस की गुज़िश्ता 3 माह की कारकर्दगी के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें एक्टिंग SP इन्वेस्टिगेशन रजाकार हुसैन, DSP खालिद महमूद, DSP सदर और नदीम यासिन, DSP शकरगढ़ के अलावा जिला भर के SHOs ने शिरकत की। गुज़िश्ता 3 माह में नारवाल पुलिस ने 19 सरगर्म गैंग्स के 102 कारिंदे, 428 मुसलमान इश्तहारी और 494 अदालती मुकर्रान को गिरफ्तार किया। मजीद JPO नारवाल ने जिला भर में बेहतरीन काम करने वाले 3 पुलिस अफसरान को उम्रा पर भिजवाने का भी ऐलान किया है। आपने पुलिस को शबाश दिए रखी और हमने बहुत कम टाइम में कोशिश की कि वो तमाम का तमाम जो माल मसरूका है वो बरामद होकर असल मालकान तक पहुंचे। मजीद आपको बताएंगे जड़ावाला से, जहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर, तालाब का मंजर पेश करने लगे। मलिक आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे, ये मुकामी इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। मदारान अपने दफ्तर तक ही महदूद होकर रह गए, शहरियों का अल्लाह हाफिज। जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें मोहल्ला रशीद पार्क, मोहल्ला महमूद कॉलोनी, मोहल्ला इस्माइल इस्लामपुरा, गिलानी मोहल्ला के अलावा दीगर इलाकों में भी जगह जगह गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जमा होने से स्कूल के कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। लेकिन मुकामी इंतजामिया के कान तक जूं तक नहीं रहेंगी। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद से अपील की कि खुद नोटिस लें। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको खबर देंगे नथिया गली गलियात में, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। सरदार मेहताब की रिपोर्ट के मुताबिक जिसके बाद गलियात की खूबसूरती में बेशुमार इजाफा हुआ और खूबसूरत मंजर पेश करने लगी। रोड की सूरत हाल तमाम छोटी बड़ी गलियों के लिए रास्ते खुल गए। नथिया गली में शहरियों का रश लग गया, लोगों ने खूब बर्फबारी को एंजॉय किया। जबकि टूरिज्म पुलिस भी नथिया गली में शहरियों की मदद के लिए पैदल चलने वाले रास्ते साफ करने में मसरूफ। शहरियों का कहना था हम नथिया गली में आए, हमारा मकसद पूरा हो गया, खूब एंजॉय किया, बहुत ही मजा आया। और आखिर में आपको खबर देंगे जी कुहार से, जहाँ पर महकमा सिनोसन गैस के इंजीनियर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कौंसल मेंबर हाजी सैद बादशाह ने मुलाकात की। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सिनोसन गैस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंचार्ज नासिर बंगिश के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कौंसल मेंबर हाजी सैद बादशाह शेरासी ने वक्त के हमरा मुलाकात की, जिसमें सैनेटर शमीमा अफरीदी की कोशिशों से इलाका कचहरी को गैस प्रॉमिस सर्वे मुकम्मल करने के बाद के मराहल के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की गई। इजलास में बताया गया कि विलेज कौंसल कचहरी गैस सर्वे पर काम मुकम्मल हो चुका है, बहुत जल्द गैस मनसूबे पर काम मुकम्मल करके आवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। महकमा गैस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नासिर बंगिश ने वक्त से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्वे पर काम मुकम्मल करने के बाद पिशावर से लाहौर हेड ऑफिस तक मजीद कार्रवाई के लिए फाइल भेज दी गई है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एन 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।